उसे हमें लगता है कि ये भारत के अंदर समान शिक्षा की जो लड़ाई है वो एक निर्णायक रूप लेगी। क्योंकि शुरू में जब हमने ये शिक्षा अधिकार मंच में शामिल हुए उस समय शिक्षक और जनसंघ के जो अलग अलग आंदोलनों के लोग शामिल थे, और अब धीरे धीरे जो छात्र और युवक संगठन इसमें शामिल हुए और इस सरकार की गलत शिक्षा नीतियों की वजह से, गलत युवाओं के प्रति नीतियों की वजह से जो रोष नौजवानों में है उसमें ये शिक्षा के लिए जो आंदोलन शिक्षा अधिकार मंच ने शुरू किया वे निर्णायक लड़ाई बनने की ओर अग्रसर है। यहां पर काफी छात्र संगठन थे जिन्होंने बताया कि भी हमारे ऊपर तरह तरह के हमले शिक्षा को लेकर के, और सरकार ने जो वादा किया था, मैं थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं जो इनकी रिपोर्ट पेश करता, संघ की रिपोर्ट पेश करता, उसके चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। सरकार के पास इस प्रकार नौजवान की कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया, कितने लोगों को लगाया, उसका आंकड़ा पेश नहीं किया गया। और अब आप जैसे टीवी चैनलों में देख रहे हो कि बेरोजगारी नौजवान के सामने बेरोजगारी की जो दर है वो पिछले 45 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर है, 6.7। और सरकार, इस देश की सरकार अलग अलग तरीके से जो अब जो इलेक्शन आने वाला है उस इलेक्शन से जो इन्होंने वादे किए थे उसको भ्रमित करने के लिए अलग अलग तरीके से मुद्दों को डायवर्ट करने की प्रयास करती है। तो हमारा इसमें ये नौजवानों का, शिक्षकों का और संगठनों का यह दायित्व तो बनता है कि इस देश की राजनीति को, इस देश के लोगों को, जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत दिक्कतें हैं, उनके ऊपर फोकस करवाने में कामयाब हो। और इस समय जो राजनीतिक वातावरण है, राजनीतिक वातावरण में कोई भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी मुद्दाहीन बातें करके, और जो हमारे जो आंदोलन थे देश में तरह तरह के जमीन को, जंगल को, नौजवानों को, शिक्षा को लेकर के जो आंदोलन थे वो सारे के सारे इन्होंने डायवर्ट कर दिए। और अब नए सिरे से हमारा प्रयास है, हम कोशिश करेंगे कि नौजवान को और शिक्षक को इकट्ठा करके एक देश के अंदर एक नया विकल्प और नई तरह की मुद्दों की रणनीति बनाने की कोशिश करें। और जो भी हमारा, हमसे जो सहयोग होगा शिक्षा अधिकार मंच का, हम शिक्षा अधिकार मंच का जो भी हमारे को आदेश होता है उसमें शामिल होते हैं। और हरियाणा में 2-3 जगह हमने मीटिंग भी की, और आगे की शिक्षा की जो लड़ाई है उसमें जो भी फैसला होगा हम आपके आपका साथ देंगे। धन्यवाद।